नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पीएच वैल्यू, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पीएच वैल्यू को कैसे याद करेंगे, बहुत ही इजीली ट्रिक बताऊंगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पीएच का फुल फॉर्म, ठीक है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति। अब देखिए, पीएच का खोज कब हुआ था फ्रेंड्स? पीएच का खोज हुआ था 1909 में, याद रखिएगा, पीएच का खोज हुआ था 1909 में। किसने किया था? सोरेनसन ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले है जल। जल का पीएच मान कितना होता है? मैं आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चंस का 3 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ताकि आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक के साथ आंसर बताऊंगा। तो चलिए बताइए आप लोग, जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, जल का पीएच मान जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 7, ठीक है। जल का पीएच मान 7 होता है। अगर नहीं याद है होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जल एक ऐसा चीज़ है कि आपको सप्ताह के 7ों दिन ज़रूरत होती है, ठीक है। बिना जल का आप एक दिन भी नहीं रह सकते हो, इसलिए जल जो है हमेशा आपको सप्ताह में 7 दिन आवश्यकता होती है। तो जल का पीएच मान हो जाएगा 7, ठीक है। जल का क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि जल के बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते हो, इसलिए जल जो है सप्ताह में 7 दिन चाहिए होता है, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, अगला है पीएच मान नमक का। नमक का पीएच वैल्यू कितना होता है? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। नमक का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग पानी के बिना एक भी दिन नहीं रह सकते हैं, उसी तरह हम लोग नमक के बिना भी एक भी दिन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रत्येक खाने में, जब भी हम लोग भोजन बनाते हैं फ्रेंड्स, तो भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, बिना नमक का भोजन अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जो है सप्ताह में 7ों दिन हम लोगों को नमक और पानी दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए दोनों का जो पीएच मान होगा फ्रेंड्स वो 7 होगा, ठीक है। तो नमक का भी पीएच मान 7 और जल का भी पीएच मान 7, ठीक है। बस ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ट्रिक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इजीली जो है इसको समझना है। अगला है फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। चलिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है, चलिए बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए 7.4, ठीक है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अब देखिए हम लोग कैसे इसे याद करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्लड कैंप लगता है, ठीक है, किसी जगह पे मान के चलिए ब्लड कैंप लगा है, और आपको डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आपको जो है सप्ताह में 7 दिन जो है ब्लड डोनेट करना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है ब्लड कैंप में, ठीक है। लेकिन आप क्या कहोगे कि सर, मैं सप्ताह में 7 दिन तो डोनेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं रेगुलर डोनेट करने लगा तब तो मेरे शरीर से ब्लड ही गायब हो जाएगा, ऐसे में तो मेरी डेथ हो जाएगी, इसलिए मैं 7 दिन की जगह नहीं, मैं 7 दिन की जगह आपको 4 दिन जरूर डोनेट कर सकता हूँ, ठीक है। 7 दिन के बदले में 4 दिन जरूर डोनेट कर सकता हूँ ब्लड को, ठीक है। तो डॉक्टर बोले ठीक है, ये भी बात सही है, चलिए आप 7 दिन में जो है 4 दिन ही ब्लड को डोनेट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा फ्रेंड्स, जिस जो व्यक्ति आप ब्लड डोनेट करेगा उसको तो सुई लगेगा ही लगेगा, सुई लगेगा तो इसके कारण उसको रक्त तो यानी कि आंसू आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब आपको ब्लड लेने के लिए सुई लगाया जाएगा फ्रेंड्स, तो आपके आंखों में आंसू आएगी, ठीक है। उस आंसू कब आएगी फ्रेंड्स? जब आपको रक्त जो लेने के लिए, ब्लड लेने के लिए आपको सुई लगाई जाएगी। तो रक्त के साथ साथ आंसू का भी पीएच मान फ्रेंड्स 7.4 होता है, ठीक है। उम्मीद आपको ये दोनों आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, रक्त जैसे आए फ्रेंड्स तो आपको समझना है ब्लड कैंप। ब्लड कैंप में क्या होता है, 7 दिन नहीं दे करके ब्लड आप 4 दिन दोगे, ठीक है। जब आप 7 दिन में 4 दिन ब्लड दोगे तो आपको 7 दिन में 4 दिन आंसू भी आएगा, ठीक है। तो आंसू का भी पीएच मान कितना हो गया, 7.4, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है आंसू का पीएच मान, तो आपको इजीली याद हो गया आंसू का पीएच मान 7.4 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या है, आगे है आपका नींबू। आगे है आपका नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है, चलिए बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.2, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। चलिए अब इसे हम लोग जो है इजीली सॉल्व करते हैं। देखें कैसे, जब हम लोग मार्केट जाते हैं फ्रेंड्स, तो मार्केट में सारा सब्जी हम लोग जो भी सब्जी खरीदना होता है खरीद लेते हैं, उसके बाद जो भी चेंज बचा होता है, जैसे मान के चलिए 5 रुपया हम लोगों के पास बच जाता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि चलो भाई 5 रुपया बच गया, चलो नींबू ही खरीद के लाते हैं। तो आप लोगों को नींबू जो है 5 रुपये में 2 ही देगा, ठीक है, यानी कि 2-2 ही मिलेगा, 2 का पीस ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 जो है आपको नींबू मिल जाएगा, 2-2 पीस, ठीक है। तो आप लोग 5 रुपये का 2 नींबू लेकर के आ जाओगे, तो 2.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह आपको समझना है।
चलिए अगला है फ्रेंड्स, दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। बस आपको इसको जो है इजीली याद रखना है, क्या दूध जो है अब महंगा हो चुका है, ठीक है, दूध अब जो है जो बहुत कम मिलता है दूध अब महंगा हो चुका है, और महंगा होकर के कितना हो गया 64 रुपया प्रति लीटर हो गया है, ठीक है। अब जो है दूध किलो के हिसाब से नहीं मिलता फ्रेंड्स, लीटर के हिसाब से मिलता है, अब जो है दूध महंगा हो चुका है तो अब हम लोगों को 64 रुपया प्रति लीटर मिलता है, सीधा याद रखना फ्रेंड्स। तो 6.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स, पीएच मान में फ्रेंड्स एक जो होता है अम्लीय होता है, अम्लीय कब होगा जब उसका वैल्यू 7 से नीचे होगा, ठीक है, और एक वैल्यू होगा अम्लीय नहीं, एक होगा क्षारीय। तो क्षारीय कब होगा जब 7 से वो ऊपर होगा, 7 से ऊपर जो भी होगा वैल्यू वो क्षारीय होगा, 7 से नीचे जो भी होगा वो अम्लीय होगा, और जो 7 के बराबर होगा वो क्या होगा, वो उदासीन होगा, ठीक है। तो जल आपका कैसा है, जल आपका एक उदासीन है, ठीक है। चलिए अगला बताइए फ्रेंड्स, अगला है सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सिरके का पीएच मान 2.4 होता है, ठीक है, नींबू से 0.2 अधिक होता है, ठीक है, नींबू से 0.2 अधिक होता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है, 2.4। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या है, शराब का पीएच मान कितना होता है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम चल रहा है तो इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा शराब का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच का जो है सॉरी शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है, ठीक है, 2.8 होता है, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए जब कोई बंदा शराब पीने जाता है तो घर से दो व्यक्ति निकलता है, घर से दो व्यक्ति निकलता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसको रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जो शराब जो दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है मैं शराब पीने वाइन पीने जा रहा हूँ। तो दो की जगह वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर के 8 हो जाते हैं, 2 से 8 हो जाते हैं आराम से, क्योंकि शराब पीने जो है बहुत से बंदे चले जाते हैं, शराब के नाम से ही पीछे पीछे सभी बंदे चले जाते हैं। तो दो घर से निकले थे लेकिन रास्ते में जाते जाते उसको 8 बंदे मिल गए, 2 से वे 8 हो गए, ठीक है। तो 2.8 इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये ट्रिक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है, आपके कमेंट का जो है मैं इंतजार करता रहता हूं। आगे फ्रेंड्स, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो 6.5 से 7.5 होता है, आपको अगर एक वैल्यू मिले तो आपको 6.5 जो है टिक करके आना है, ठीक है फ्रेंड्स, मानव लार का पीएच मान 6.5। चलिए अगला बताइए फ्रेंड्स, अगला है समुद्र का जल, समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जरा सा सोचिए कि समुद्र का जो जल होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही खारा होता है। मैंने आपको बताया कि खारा तभी होगा जब वो क्षारीय तभी होगा जब वो 7 से ऊपर होगा, और समुद्र का जल जो है काफ़ी क्षारीय होता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्षारीय नहीं होता, बहुत सारा बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो जो है 7 से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, तो 6.4 तो होगा नहीं क्योंकि वो अम्लीय हो जाएगा, 2.4 भी नहीं होगा क्योंकि वो अम्लीय हो जाएगा, 7.2 तो वो थोड़ा सा क्षारीय होगा, लेकिन समुद्र का जल तो अधिक क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.4, ठीक है, 8.4 जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है फ्रेंड्स, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, चलिए जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ठीक है, सीधा, ठीक है, सीधा है, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। मैंने आपको ऊपर में ही बताया था पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, तो सोरेनसन ने लगाया था, कब लगाया था, 1909 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल क्या है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, साथ ही यह बताना है फ्रेंड्स आपको यह ट्रिक कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इजीली ट्रिक और अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से नंबर ला पाओ। तो फ्रेंड्स चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।